नमस्कार मित्रों, हम आपको अपने BRS स्पेशल चैनल में आपका स्वागत करते हैं और बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं इतने दिनों से और हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं सूरत सिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम सूरत सिटी में रहते हैं और यहाँ की जो भी जानकारी होती है वो आपको हम उपलब्ध कराते हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े हैं और हमारे चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं आप। तो मित्रों, आज हम आए हैं डुमस रोड पे, डुमस एयरपोर्ट रोड पे, जहाँ पे मोंटेसा नाम की एक बिल्डिंग कमर्शियल हब सेंटर तैयार हुआ है। उसकी ज़रा हम झलक आपको दिखाते हैं और यहाँ का लोकेशन किस तरीके से है वो आप देखेंगे। ये पूरा VIP एरिया है और VIP एरिया में ये हब सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लगभग 4 सालों से ये बन रहा है और अभी ये बन के रेडी हुआ है। ये अगर आप यहाँ आना है आपको तो ONGC कॉलोनी मगदल्ला के पास ये हब सेंटर बना हुआ है, बिजनेस हब सेंटर। और यहाँ पर ये आगे जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज है पलसाना और हजीरा, जो रिंग रोड बना है वो है, उसके बाजू में ही ये पड़ता है। तो मित्रों, ये कोई विदेश का सीन नहीं है, ये हमारे इंडिया के सीन है। और हम आपको दिखाएंगे सूरत में ऐसी जो बिल्डिंग बनी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। विदेश, जर्मनी हो, अमेरिका हो या सऊदीया जैसा, ये दृश्य देखकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऐसी बिल्डिंग भी हमारे भारत देश में बन सकती है और ये पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गई है। और बस अभी इसमें कामकाज होना बाकी रह गया है, वो भी चालू ही हो जाएगा बहुत ही जल्द। ये बिजनेस हब सेंटर, कमर्शियल शॉप होंगी, यहाँ पे ऑफिस होंगी और ये सब होगी। ये एक टाइटैनिक जो जहाज़ थी उसी के रूप में बना हुआ है, पूरा जहाज का मॉडल है ये, आप देखेंगे शिप पानी वाली, और उसी का पूरा पूरा प्रारूप है, उसी के तौर तरीके से बना है ये, उसी के जैसा। और बहुत ही बेहतरीन दृश्य, देखने से लगता है कि जैसे हम इंडिया में हो ही नहीं, कहीं बाहर देश का सीन है ये एरिया, लेकिन वाकई में रियलिटी में ये इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर नहीं है। और इंडिया में वो भी सूरत सिटी में है और कई करोड़ का खर्चा आया होगा, कई करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ का खर्चा आया होगा इसको बनाने में, मेरा अनुमान है। लेकिन ये बिल्डिंग चाइना को टक्कर देने के लिए तैयार है। जिस तरीके चाइना में बिजनेस हब सेंटर बनते हैं, उसी तरीके से ये भी बना है। और यहाँ पर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी बहुत ही अच्छा काम है, रोड और लाइटिंग, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है यहाँ पे। ये सूरत का दिल माना जाता है ये एरिया। एयरपोर्ट है, यहाँ पर VIP लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसमें होटल भी चालू होगा, ये तो 100% तय है कि होटल तो यहाँ पे बनेगा ही, आएगा ही इस बिल्डिंग में। और ये बहुत ही बेहतरीन दृश्य आप देख सकते हैं, नाइट का समय है, नाइट में बहुत ही अजब नज़ारा लगता है ये देखने में। आज मैं इधर आया था तो मेरा दिल हुआ कि ये आपको बना के दिखाया ही जाए, किस तरीके का दृश्य है ये, किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। तो आप इसकी भव्यता देख पा रहे होंगे,
और मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ये कोई भी देश का सीन नहीं है, ये इंडिया का सीन है। एक बार फिर से मित्रों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर बने हैं और आपका हमको बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, हमारी ईश्वर से यही कामना है। धन्यवाद।